संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने तहसील गुना के ग्राम खेजरा में तहसील स्तरीय सत्संग का आयोजन किया। सभी श्रद्धालुओं ने एलईडी के माध्यम से प्रवचन सुने और समाज में फैल रही कुरीतियों, दहेज प्रथा, नशा, चोरी, रिश्वतखोरी, भ्रूण हत्या जैसी प्रथा को संत रामपाल महाराज जड़ से खत्म कर रहे हैं। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग में चार वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, पवित्र गीता, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में छुपे गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हुए ये सिद्ध कर दिया गया कि पूर्ण परमात्मा ही कबीर साहिब है। संत रामपाल महाराज ने सत्संग में बताया है कि सारी सृष्टि के कुल मालिक कबीर परमेश्वर हैं। ये वही परमात्मा है जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सन 1398 संवत 1455 जेठ सुदी पूर्णमासी को बनारस के अंदर लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर सतलोक से आकर नवजात शिशु का उन्होंने रूप धारण किया। ये वो परमात्मा है जो किसी माँ से जन्म नहीं लिया बल्कि शरीर ये आए थे और सशरीर चले गए थे। परमात्मा कौन है, उसे पानी की विधि कौन सी है, पूर्ण संत की प्राप्ति, ये तीन चीज कठिन है और हमें इनकी खोज करना चाहिए। सत्संग के बाद संत रामपाल महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने की राह आदि पुस्तकों का वितरण भी यहाँ पर किया गया। मेरा नाम संतोष दास, गुना तहसील कोऑर्डिनेटर। आज ग्राम खेजरा में ये सत्संग हुआ है, जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग रखा गया है, जो कि सभी शास्त्रों के प्रमाणित ज्ञान सदगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। और सत्संग रखने का मूल उद्देश्य ये है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति बताकर सभी भाइयों का सद भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, शास्त्र अनुकूल शक्ति भक्ति बताना, इसमें जैसे कुरान शरीफ, बाइबल ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भगवद गीता, ये सारे प्रमाणित शास्त्रों से ज्ञान लिखा हुआ बताया है। इसमें किसी प्रकार का निजी मत नहीं दिखाया गया है और जो भी ज्ञान बताते हैं हमारे गुरुजी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। मुनिंदा धर्माज ट्रस्ट की तरफ से ये ज्ञान एवं सभी जगह एलईडी के द्वारा सत्संग रखा जाता है, जिसमें सभी प्रकार की बुराइयां, नशा, रिश्वत खोरी, दहेज, पाखंडवाद, सभी प्रकार की जो है बुराइयों को छुड़ाया जाता है, जिससे हमारे युवा पीढ़ी के सभी भाइयों से प्रार्थना है कि एक बार इस सत्संग को सुने और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर आत्मा कल्याण कराएं।